अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुदस्सिर अली और आज मैं आपको एक नई वीडियो में वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आपका एक यूट्यूब चैनल गलती से क्रिएट हो चुका है और आप उसे डिलीट करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे, उसको या आप तरीकाकार नहीं पता कि किस तरह उसको अपने यूट्यूब चैनल को डिलीट करना है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा तरीक़ेकार आपको बताऊँगा कि किस तरह आप अपने यूट्यूब चैनल को, कोई भी चैनल है, किसी भी ईमेल पर बनाओ, बेशक एक ईमेल पर दो बने हों या एक ही बना हो, उसे आप किस तरह डिलीट कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको पूरा तरीक़ेकार बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटा सा प्रोसीजर है, आप उसको समझने आसानी से आपको समझ लग जाएगी और आप उसे अपने चैनल को डिलीट कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने यहाँ से ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च कर लो google.com। उसके बाद यहाँ से मैं अपने YouTube को ओपन कर लेता हूँ। तो ये YouTube यहाँ पे आ गया लिखा हुआ। तो ये YouTube ओपन हो रही है हमारी। इसके ओपन होने के बाद तो ये देखें, यहाँ पे साइड के ऊपर आपको भी यहाँ पे अपना लोगो शो हो जाएगा। तो फ्रेंड, ये देखें, यहाँ साइड के ऊपर आपको यहाँ पे आपका लोगो शो हो गया। अभी मेरे यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे तो ये देखें, यहाँ पर आपके मुख्य ऑप्शन हो गए। आपका अपना चैनल देख सकते हैं, YouTube स्टूडियो में जा सकते हैं, कि यहाँ से आपने नहीं जाना, इसको यहाँ से ख़त्म कर दें। वहाँ से लंबा प्रोसीजर हो जाता है, वापस वहीं पे यहाँ पर घूम के आना पड़ेगा। तो यहाँ से देखें, हमने यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है, लेफ्ट साइड पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखें, आपको मिलेगा एक सेटिंग का ऑप्शन। सेटिंग पर आप क्लिक करें तो जो अभी आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा। तो ये देखें, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल पे आपने सबसे पहले अपने क्रोम को ओपन करना है और आपके राइट साइड के ऊपर तीन डॉट आपको शो होंगे लाइन वाइज, तो उन तीनों इकट्ठे डॉट बने होते हैं, उन पर आप क्लिक करेंगे ऐसे। यहाँ पे यहाँ तीन लाइनें लगी हुई हैं, तो इस तरह थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो थोड़ा सा नीचे जाने के बाद आपको वहाँ पर ऑप्शन शो होगा डेस्कटॉप साइड, उस पर आपने क्लिक कर देना है तो आपको इसी तरह का इंटरफेस शो होना शुरू हो जाएगा। आप फिर YouTube सर्च करके और वहाँ लेफ्ट साइड के ऊपर सेटिंग में आके तो इस तरह का आपको इंटरफेस शो हो जाएगा। इस तरह के जब यहाँ पर आने के बाद तो यहाँ पे हमने आना था चैनल मैनेजर के अंदर, ऐड और रिमूव मैनेजर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये देखें, आपका चैनल शो हो गया है। तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, मैनेज परमिशंस कर सकते हैं और यहाँ देखें नीचे आपको लिखा शो हो रहा है डिलीट अकाउंट, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको आपके ईमेल का पासवर्ड दोबारा से रिकन्फर्म करेगा कि ये आप ही हैं, तो इसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना पासवर्ड एंटर करने के बाद। यहाँ से आपका प्लीज रीड दिस केयरफुली, इट इज़ नॉट द यूजुअल ब्लाबला, तो इसको आपने यहाँ स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ से आपने डिलीट अकाउंट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आना है आपके पास व्यू डिटेल, ब्रांड अकाउंट, डिलीटेड अकाउंट्स। तो ये देखें, हमारा अकाउंट डिलीट हो चुका है, तो इसको रीस्टोर भी हम यहाँ से कर सकते हैं। तो बाद में वो चैनल रिमूव हो गया और यहाँ पर बाकी शो होना शुरू हो गया। अभी मैं आपको वापस लेके चलता हूँ और वहाँ पर जाकर आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि वो चैनल अब वहाँ पर शो नहीं हो रहा होगा जो अभी मैंने आपके सामने डिलीट किया। तो ये साइन आउट हो गया है, नहीं हुआ। तो यहाँ से हमने जाना है नीचे, देखें सेटिंग के अंदर दोबारा से जाते हैं। यहाँ से ऐड और मैनेजर चैनल में कर देता हूँ। तो ये देखें, जो चैनल आपको सामने मैंने आपको हमने डिलीट किया है वो अब यहाँ पर शो नहीं हो रहा। तो फ्रेंड, यही थी आज की वीडियो कि आप किस तरह अपने YouTube चैनल को डिलीट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।